गाजियाबाद जिला मुख्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री और गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह, प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग और गाजियाबाद के तमाम विधायकों ने अधिकारियों के साथ में कोरोना वायरस को लेकर बैठक की। हालातों को जानने के लिए खुद केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह अधिकारियों से आंकड़े लिए। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सांसदों और विधायकों के साथ अपने अपने शहर की स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। बैठक के पश्चात गाजियाबाद में सांसद वीके सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना वायरस पॉजिटिव केसों में हुई बढ़ोतरी के कारण गाजियाबाद को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है। निजामुद्दीन जमात में शामिल होने के बाद गाजियाबाद आए जमातियों के कारण यहां कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि गाजियाबाद में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जमाती कहां रहे, किससे मिले, इसीलिए संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। गाजियाबाद को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है। कारण उसका यह कि हमारे यहां केसेस बढ़ गए। 23 केस हैं जिनके अंदर ये जो बढ़ोतरी हुई है वो जो लोग निजामुद्दीन जमात अटेंड करके जो आए उसके बाद हुई है। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन वो किससे मिले, किस कहाँ रहे, कैसे रहे, तो इसलिए संक्रमण का खतरा है। तो कोशिश ये की जा रही है कि संक्रमण से बचाने के लिए सब एहतियात बरती जाए। तो आज एक समीक्षा बैठक थी, सबसे जायज़ा लिया गया, क्योंकि हर जनपद के लेवल पर प्रदेश ने कुछ कमेटियां बनाई हैं अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए, ताकि उनके बीच में समन्वय हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी था, कुछ क्योंकि खाना बहुत सारी संस्थाएं दे रही हैं, क्या उसके अंदर हम समन्वय कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें डिस्कस हुई हैं ताकि जो लाभार्थी हैं उन तक लाभ सही तरीके से पहुँच सके। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां किसानों के लिए ट्रैक्टर कंपनियों की एक बड़ी पहल सामने आई है। टैफे और आयशर ट्रैक्टर कंपनियों ने यूपी सरकार को प्रस्ताव भेजा है। किसानों की मदद के लिए 3 महीने तक निशुल्क कृषि यंत्र कंपनियों की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। प्रदेश सरकार ने मंजूर किया ट्रैक्टर कंपनियों का प्रस्ताव। 25 जिलों में शुरुआती मदद के लिए प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जिले के डीएम और कृषि अधिकारियों को पत्र लिखा है। किसानों की मदद के लिए कंपनियों की तरफ से दी जा रही सुविधाओं में आप सहयोग करें। कोरोना महामारी में किसानों को मदद करने के लिए कुछ ट्रैक्टर कंपनियां भी सामने आई हैं और उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव भेजे। खासतौर पर टॉफे और आयसर के का ज्वाइंट कंपनी है। इन लोगों के जो कंट्री हेड मिस्टर सिन्हा हैं सीईओ, उन्होंने मुझसे फ़ोन पर भी बातचीत की और एक प्रस्ताव ये दिया कि हम लोग सीमांत और लघु किसानों को 3 महीने तक निःशुल्क सुविधाएं कुछ जनपदों में देना चाहते हैं और वो ओला और उबर के तर्ज पर वो अपना एक ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ है और ये मुझे लिखित रूप से उन्होंने एक अपने प्रस्ताव भेजे हैं कि अप्रैल मई जून में कटाई बुआई मड़ाई के लिए जो हमारे पास संसाधन इन जनपदों में हैं उसको हम किसानों को निःशुल्क सेवा के लिए उपलब्ध कराएँगे। तो इस हफ्ते में उस काफ़ी उनका ये जो अभियान है वो शुरू होने वाला है जिसमें किसानों को। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का बड़ा बयान। 9 अप्रैल को शबे बारात पर सभी कब्रिस्तान को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। सभी मुतवलियों को निर्देशित किया गया है। कब्रिस्तान की साफ सफाई करने के लिए निर्देश जारी किए गए। वसीम रिजवी का बयान है। नौ अप्रैल को शबे बरात के दिन लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी शिया कब्रिस्तानों को बंद रखने का निर्देश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के समस्त मुतवल्लियों को जारी कर दिया है और उनको यह भी निर्देशित किया है कि वो अपने कर्मचारी जो कब्रिस्तान के अंदर रहते हैं उनके माध्यम से कब्रिस्तान की साफ सफाई रखें और वहां पर रोशनी का इंतजाम भी वो स्वयं अपने कर्मचारियों के माध्यम से कराएं। मंडियों में अब बिना मास्क के प्रवेश आपको नहीं मिलेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंडियों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद निदेशक जेपी सिंह का सख्त निर्देश है। मंडी आने वाले सभी व्यापारी, किसान, पल्लेदार मास्क जरूर पहने। बिना मास्क पहने आने पर नहीं मिलेगा मंडियों में प्रवेश।
तो मंडियों में बड़ी लापरवाही देखी गई थी। बिना मास्क पहने अब आने पर आपको मंडियों में प्रवेश नहीं मिलेगा, ये सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता दें कि मंडियों में अब बिना मास्क के अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रवेश वहां नहीं मिलेगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह बड़ा फैसला किया गया है। यूपी राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की तरफ से यह ऐलान किया गया है। मंडी आने वाले सभी व्यापारी, किसान, पल्लेदार को मास्क पहनना अत्यंत जरूरी है। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंडियों में मास्क लगाना अब कंपलसरी कर दिया गया है। यूपी राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद निदेशक जेपी सिंह की तरफ से निर्देश जारी किया गया। असिस्टेंट एडिटर आलोक राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, जो मंडी परिषद के निदेशक हैं जेपी सिंह, उन्होंने उत्तर प्रदेश की सभी मंडियों के लिए सख्त निर्देश जारी किया, खासकर मास्क को लेकर के, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की थी कि अब हर व्यक्ति मास्क लगाएगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा। जिसके बाद जो मंडी परिषद के डायरेक्टर की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी मंडियां हैं उसमें जो भी व्यापारी आए, चाहे वो किसान हो, पल्लेदार हो या अन्य लोग हो, वो बिना मास्क के मंडी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने मास्क नहीं लगाया होगा तो उनको मंडी में प्रवेश करने से रोका जाएगा, उनको प्रतिबंधित किया जाएगा, क्योंकि संक्रमण लगातार कोरोना का फैल रहा है। इसको लेकर के ये एडवाइजरी जारी की गई है और इसके बाद जो है मंडी परिषद के निदेशक की तरफ से सख्त निर्देश जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर यह तय है कि अब बिना मास्क के जो है मंडी में किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, पल्लेदार हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, उसको अब मास्क लगाना पड़ेगा। मास्क लगाने पर ही वो मंडी में जा सकेगा, अन्यथा बिना मास्क के उसको मंडी में किसी कीमत पर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक सख्त निर्देश जारी किया गया है। जी चलिए आलोक, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बागपत से बड़ी खबर है जहां शिकंजे में फरार कोरोना मरीज सफीद मियां आइसोलेशन सेंटर से फरार हुआ था। सफीद मियां नेपाल से मरकज में आया था भगोड़ा सफीद मियां, डॉक्टर्स को चकमा देकर फरार हुआ था। जमाती बंदपुर भट्टे में पकड़ा गया भगोड़ा जमाती, पुलिस को 10 टीम उसकी तफ्तीश में जुटी हुई थी। खेकड़ा सीएचसी से फरार हुआ था कोरोना पॉजिटिव जमाती सफीद, आईजी जोन प्रवीण कुमार ने शख्स के मिलने की पुष्टि की है। यहाँ के जिला प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार इसमें युद्ध स्तर पर लगी हुई थी, स्थानीय लोगों का सहयोग भी लिया जा रहा था। उसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इसको देखा गया है और इसको जो इसका एक प्रोटोकॉल है उसके तहत उसको वहाँ पर लिया गया है और फिर से इसको हॉस्पिटल में सुरक्षित पहुँचाया जा रहा है। जब से यार ये तो पता ही है आप लोगों को कि गैस तो हो गया। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये कपड़े से रस्सी बनाकर भागने की कोशिश की थी। आपको उस दौरान की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि खिड़की से किस तरीके से भागने की कोशिश की थी जमाती ने।
खबर बदायूं से, जहां पर डीएम और एसपी की जिले वासियों से अपील। एक्शन में डीएम कुमार प्रशांत और एसपी अशोक कुमार त्रिपाठी कोरोना पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले जांच कराएं। एसडीएम सहसवान और पुलिस क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिया गया। बदायूं के सहसवान में कोरोना पॉजिटिव आने पर जिलाधिकारी कुमार प्रशांत और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने उप जिलाधिकारी सहसवान और पुलिस क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिस क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिला क्षेत्र में कंटेन एंड बफर जोन घोषित कर दिया जाए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जहां जहां ये कोरोना वायरस व्यक्ति गया है वहां वहां के मिलने वाले सभी लोग जिला अस्पताल में आके अपना टेस्ट कराएं। इसके बाद यदि जानकारी होती है तो व्यक्तियों ने अपनी स्क्रीनिंग नहीं कराई जिसके कारण बाद में उनके माध्यम से संक्रमण फैला तो उनके और उनके परिवार के खिलाफ में अन्य लोगों की जान खतरे में डालने पर कार्रवाई की जाएगी। हम पाँच है, हमें मोचरा पाँच है। आपके साथ यहाँ पर कोई अत्याचार तो नहीं किया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं यहाँ के लोग, पूरा अल्लाह गवर्नमेंट हुकूमत भी हुई अच्छा साथ दे। तो कितने कितने दिन की जमात में आए थे? हमें 40 दिन की जमात। कितने दिन हो गए? अब 30 दिन, 30 को 2 दिन हो गया। हमारा वापसी टिकट आपको 16 तारीख को है। हमारा आंध्र प्रदेश है, हम आंध्र प्रदेश से आए थे, न्यू दिल्ली से शेषवान आए। किसने आए? जमात में। जमात में क्या करते हैं आप? जैसे दीन सिखने के लिए। जैसे कैसे दीन सिखाते हैं आप लोग? कैसे दीन सिखाते हैं, घर घर जाकर? हम सिखाते नहीं, हम तो सीखने के लिए आए। अच्छा, जो घर में। कहाँ से आए? सर आंध्र प्रदेश। अच्छा, क्या कैसे आए? जमात में। जमात में आए। जमात में क्या सिखाया जाता है? सीखने के लिए आए। अच्छा अच्छा, यहाँ पर कोई आपके साथ बस लूगी अत्याचार? नहीं, अल्लाह का फजल, कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। एक पॉजिटिव केस यहाँ पे आया है, उसके दृष्टिगत जिन जिन एरियाज में वो आदमी घूमा है, जहाँ जहाँ पे उसने समय व्यतीत किया है, उन सभी एरियाज को हमने प्रॉपर तरीके से उसको ब्लॉक करने के लिए निर्णय लिया है, और साथ ही साथ जहाँ पर रुका था उसको सील करने के लिए भी निर्देशित किया जा चुका है। इसके अलावा जनपद में जो लॉकडाउन है इसको और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए इसको सेक्टर्स में बांट के सभी सेक्टर में सेक्टर अधिकारी और उनके समकक्ष पुलिस अधिकारियों को लगा के इस लॉकडाउन को प्रभावी रूप से यहाँ पे करना है। डोर स्टेप डिलीवरीज वगैरह की व्यवस्था प्रॉपर करवानी है, और साथ ही साथ जो उनके संपर्क में आए हैं उनकी जाँच करवाएंगे, और ये जो संदिग्ध व्यक्ति है इसकी कॉल हिस्ट्री वगैरह भी निकाल के इनके प्रीवियस हिस्ट्री देखी जाएगी, और उसके आधार पे भी अन्य जिनसे संपर्क में हैं उनकी हम जांच करवाएंगे। ये सहसवान मोहल्ले से, सहसवान हमारा जो कस्बा है वहाँ पे इनकी लोकेशन मिली, जहाँ से प्राइमरी पहली बार उठाया गया चेकिंग के लिए। वहाँ पे तहसील के पास एक मस्जिद है, उसके पास ये रहते थे, और इनकी पास हिस्ट्री ये है कि करीब 14 फरवरी को यहाँ पे आए थे। रहने वाले ये बॉम्बे के हैं। एहतियातन हम लोगों ने कहा 5-6 लोगों के जो सैंपल उठाए थे, क्योंकि तबलीगी जमात से किसी तरीके से कोरिलेटेड थे, उनके फॉलोअर्स थे, तो उसमें इनका नाम आया था, तो इसलिए हम लोगों ने उठाया था। इनका सैंपल लिया गया, और सैंपल लेने के पश्चात जैसे ही हमें पता चला कि पॉजिटिव केस आया है, हम जो है तत्काल निदेशक चिकित्सा शिक्षा से बात की, और उन्होंने कहा कि जहाँ जिन जिलों में एक एक केसेज आ रहे हैं, एक या दो केसेज आ रहे हैं, उनके साथ पास के मंडली चिकित्सालय में शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कि जो हमारे यहाँ पीपीई किट और वीटी वगैरह की कमी है तो उसको देखते हुए सभी जो प्रदेशभर में जितने भी ऐसे जिले हैं जहाँ एक या दो दो केसेज आए हैं, सभी को उन्होंने मंडलीय चिकित्सालय में शिफ्ट करने के लिए कहा है। उसी के क्रम में जैसे कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में हुआ, इलाहाबाद में किया जा रहा है, हमारे यहाँ उसको बरेली में शिफ्ट करने के लिए उन्होंने कहा है। वैसे हमने अपने यहाँ जो फैसिलिटीज थी L1 की उजानी में, उसको तत्काल अलर्ट पर कर दिया था, किंतु वहाँ से निर्देश आया कि बरेली शिफ्ट कर रहे, तो हम बरेली को शिफ्ट कर रहे हैं। उस मोहल्ले में जहाँ पे पाए गए हैं वहाँ पे एक कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, साथ ही साथ बफर जोन भी बना दिया गया है। वहाँ पे यदि आवश्यकता होगी तो आज शाम को मैं भ्रमण करने जाऊँगा कप्तान साहब के साथ, तो अगर वहाँ आवश्यकता होगी तो धारा 144 लागू करना है उस एरिया में या नहीं, उसके ऊपर भी डिसीजन दिया जाएगा। इनकी जो जो ये आए हैं रोगी, इनकी हम क्वालिटेटिव हिस्ट्री वगैरह भी निकलवा रहे हैं, और किनसे किनसे इन्होंने कांटेक्ट किया है उसके लिए भी LIU और SPCT की टीम लगी हुई है, पूरा डिटेल निकालने के पश्चात बाकी जो संदिग्ध लोग होंगे उनके भी हम जांच के लिए सैंपल भेजेंगे। सर, जिस मस्जिद से इनको निकाला गया था शुरू में, तो इनके साथ में और लोग थे?
तो क्या उनकी भी दोबारा जांच कराई जाएगी? इनके साथ छह लोग, कुल छह लोग ही पाए गए थे, इनको इंक्लूड करके पांच अन्य लोग थे। पांच अन्य की रिपोर्ट निगेटिव आई है और फिलहाल सभी को क्वारंटाइन में जिला अस्पताल में रखा गया था, किंतु अब इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, तो इन पांचों लोगों की री रिपोर्ट फिर से उसके लिए हम सैंपल भेजेंगे और उनका फिर से रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। सर, ये कब आए थे और कब तक ठहरे हुए थे? ये करीब 14 फरवरी को यहाँ आए थे बॉम्बे से, और तब से यहीं पे रह रहे थे। अब इनकी जो हिस्ट्री निकली, पिछली कॉल हिस्ट्री और कैसे कितने मिले हैं, उसके बेसिस पे ही हमें पता चल पाएगा कि किस संदिग्ध व्यक्ति से मिले थे जिससे कि ये इनको ये वायरस हो गया। ये रायबरेली में तैनात एक सिपाही ने कोरोना महामारी पर एक गाना बनाया है। इस गाने के माध्यम से लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की है। आपको बता दें, गाने गाने वाले सिपाही लक्ष्मी शहर कोतवाली इलाके के इंदिरा नगर चौकी में तैनात है। शाहजहांपुर में उड़ाया जा रहा लॉकडाउन का मजाक। लॉकडाउन के बाद भी होटल में चल रहा धड़ल्ले से काम, करीब 15 से 20 मजदूर कर रहे होटल में काम। पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की मिली भगत सामने आ चुकी है। शाहजहांपुर में रसूखदार का बन रहा है होटल, चौक कोतवाली के अजीजगंज चौकी से चंद कदम की दूरी पर चल रहा है कामकाज और पुलिस आंख मूंदे बैठी है। जहां सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी लगातार ये अपील करते रहे कि आपको अपने घरों में रहना है, लॉकडाउन का पालन करना है, पुलिस प्रशासन खुद इसका पालन करते रहे, पुलिस प्रशासन खुद सड़कों पर उतरकर अपील करते रहे। वहीं पुलिस की एक और तस्वीर है जो मिली भगत यहां पर देखी गई है। मजदूरों की जिंदगी का ख्याल नहीं किया गया। 15 से 20 मजदूर है जो लगातार यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं। बताया जा रहा है किसी रसूखदार व्यक्ति का होटल बन रहा है। अब सवाल ये है कि रसूखदार व्यक्ति तो अपने घर पे बैठा है, लेकिन ये जो 15 से 20 मजदूर काम कर रहे हैं उनके होटल का, आखिरकार इनमें से कोई भी अगर संक्रमित होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आसिफ अली सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर, विस्तार से बताइए। देखिए, ये चौक कोतवाली क्षेत्र के अजीजगंज चौकी से चंद कदम की दूरी पर एक होटल बन रहा है। ये बड़ा होटल बन रहा है, 3 स्टार की शुमार में है। ये एक बड़े ऊंचे रसूखदार का होटल है जहां पर लॉकडाउन के बाद भी लेबर अंदर काम कर रही है। करीब 3 दर्जन के करीब लेबर थी अंदर, जहां साइकिलें भी खड़ी हुई हैं, वो लेबर लोकल की भी है, बाहर की भी है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा मजाक उड़ाया जा रहा है। जो लेबर है वो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, आप विजुअल में भी देख सकते हैं। लेकिन जो जिला प्रशासन है और जो पुलिस है यहाँ की, वो लापरवाह बनी हुई है। पुलिस यहाँ पर आई जरूर, लेकिन वो उन लेबरों को ढूंढने के बजाय उल्टा मीडिया को ही सोशल डिस्टेंसिंग का पार्ट पढ़ाने लगी है। तो कुल मिलाकर जो जिला प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। वैसे तो पूरे भारत में इस वक्त लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। सीएम योगी हैं, पीएम हैं, वो पूरे तरीके से जनता का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है लॉकडाउन का पालन कराने के लिए। जी चलिए आसिफ, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बड़ा।
कहाँ रहते हो भैया? क्या कहाँ रहते हो भैया करने के लिए? रोज नहीं आते हैं जी। आज कितनी आई? आज कितनी आई है? आज बता रहे 15-20 आदमी। अच्छा, 20 आदमी जो लोकल के रहने वाले हैं? हाँ, या किराए पे कमरा मिल जाए। अच्छा, लेकिन लॉकडाउन है, ऐसे में क्या काम हो सकता है यहाँ पर? ठेकेदार को मालिक थोड़े करवा रहे हैं। सर्विस यहाँ पर रोज कितनी लेबर आती है काम कर? तो लॉकडाउन के बाद भी होटल में चल रहा धड़ल्ले से काम, जो हम आपको लगातार तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि 15 से 20 मजदूर हैं जो लगातार यहां पर कार्य कर रहे हैं। जहां एक तरफ सबको घरों में रहने की अपील की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, वहां पर मजदूरों की मजबूरी है अपना पेट पालने के लिए कामकाज करना, लेकिन सरकार उनके रहने सहने का, खाने पीने का, हर किसी का इंतजाम कर रही है। उसके बावजूद भी ये तस्वीरें आखिरकार कहाँ से और कैसे सामने आई, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। शाहजहांपुर की ये तस्वीर है, जब मीडिया का कैमरा वहाँ पर पहुँचा तो पुलिस अपने डंडे के साथ में यहाँ पर मौजूद नजर आई। पीछे आप तमाम पुलिस कर्मचारियों को देख रहे हैं जो इन मजदूरों को यहाँ से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरें और पुलिस की बातें देखकर अंदाजा यही लग रहा है कि कहीं मीडिया से ये बातचीत ना करें, किसी सवाल का जवाब ना दें, उससे पहले इन सभी को यहाँ से हटा दिया जाए। सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब मीडिया का कैमरा पहुँचता है तभी पुलिस की इतनी ज़्यादा सतर्कता क्यों दिखाई देती है? बगल में ही थाना है, क्या बगल में ही थाने पर जो पुलिस कर्मचारी बैठे हैं उनको नहीं मालूम है कि उनके चंद कदमों की दूरी पर, 5 मिनट की दूरी पर एक होटल का काम चल रहा है जहां 15 से 20 मजदूर काम कर रहे हैं। सरकार हाथ जोड़ जोड़ कर थक गई, लेकिन अगर जो रक्षा करने वाले हैं वही इस तरीके की हरकतें करेंगे तो आखिरकार बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी ही लापरवाहियां हैं जिसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि यह आपकी जिंदगी का सवाल है, आपकी जान जा सकती है, आपकी जिंदगी जोखिम में है, और फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप इसी तरीके से बाहर निकल कर काम कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर शर्म आनी चाहिए। जो जिला प्रशासन है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लापरवाही यहां पर बरतता हुआ नजर आया है, क्योंकि थाना चंद कदमों की दूरी पर है, पुलिस यहां पर नजर आ रही है, इन मजदूरों के साथ में नजर आ रही है, मजदूरों को वहां से हटा रही है ताकि वो मीडिया से किसी प्रकार की बातचीत ना करें। तो इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार हम डीएम से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डीएम से ना संपर्क हो पा रहा है, ना वो शायद संपर्क करना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की अपने आप में ये बहुत बड़ी लापरवाही है। खबर हापुड़ से है, जहां गुटखा प्रतिबंध की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां खुलेआम ब्लॉक में गुटखा बेचे जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मजीदपुरी में खुलेआम दुकानदार कर रहे प्रतिबंधित गुटखे की कालाबाजारी, प्रशासन कालाबाजारी रोकने में नाकाम रहा। यह पूरा मामला सिटी कोतवाली के मजीदपुरे का है। बात एक ही है, दोनों एक ही से उतर पड़ेंगे, इसमें 50 पीस है, उसमें 30 पीस है। अरे जी, 5 चंदे देने। कितने का है? इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।